दोस्तों आज हमारे पास है 2022 मॉडल बजाज की सीटी 110X। आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं सिर्फ 3 मिनट के अंदर। जो भी डाउट होगा सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिलता है। एक आपको क्विक स्टार्ट मिल जाएगा जिसकी आपको ऑन रोड प्राइस पड़ने वाले हैं विद एसेसरीज, हेलमेट, पार्किंग कवर, सीट कवर और भी सारी एसेसरीज आपको मिलने वाली है, पड़ जाएगी आपको 78,000 रुपये ऑन रोड प्राइस। दूसरा वेरियंट आपको मिलने वाला है सेल्फ स्टार्ट के साथ में, जिसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट बोलते हैं, उसकी ऑन रोड प्राइस आपको पड़ने वाले विद एसेसरीज 83,000 रुपये। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रंट लुक आपको कुछ ऐसे मिलने वाला है। हेडलाइट की बात करें तो आपको हैलोजन मिल जाती है, इंडिकेटर बल्ब मिलने वाले हैं, मिरर ये कुछ ऐसे दिखेंगे, नंबर प्लेट यहाँ पे लगेगा, LED DRL आपको मिल जाता है। सो फ्रंट का लुक ये रहा। यहाँ पे आपको मडगार्ड मिल जाता है फाइबर वर्क के साथ में। और अभी हम इसका साइड प्रोफाइल देख लेते हैं। सो साइड से ये बाइक कुछ ऐसे दिखेगी। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलने वाला टेलीस्कोपिक, रियर में आपको मिल जाएगा स्प्रिंग एंड स्प्रिंग। और भी हम बात कर लेते हैं इसके टायर के बारे में। टायर की बात करें तो आपको ट्यूब टायर मिलने वाला है। टायर साइज आपको फ्रंट में मिल जाएगी 2.75 की और में आपको थोड़ा सा वाइडर मिल जाएगा 3.00 का। व्हील की बात की तो आपको अलॉय व्हील मिलने वाली है, जिसकी साइज आपको फ्रंट एंड रियर में सेम मिल जाएगी 17 इंच की। ब्रेक की बात की तो आपको फ्रंट में ड्रम ब्रेक मिल जाएगा, रियर में भी आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाला है। साथ में आपको मिल जाता है CBS, जिसे बोलते हैं कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। अगर आप रियर ब्रेक लगाओगे तो आपका अगला ब्रेक भी लगेगा। तो यहाँ की बात की ये रहा इसका इंजन, आपको लेग गार्ड ऐसे मिल जाएगा। अच्छे से इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एक मेटल का गार्ड मिल जाता है। सो इसके इंजन के बारे में बात करें, आपको सिंगल सिलेंडर, फोर स्ट्रोक, टू वाल्व, एयर कूल, EFI और साथ में आपको मिल जाता है 4 स्पीड गियर बॉक्स। में आपको 110 सीसी का दमदार इंजन देखने को मिल जाता है। किक भी आपको मिलने वाली है 110X की ब्रांडिंग। ये रहा इसका एग्जॉस्ट, इधर आपको लगेज कैरियर मिल जाता है। सो ये रहा सीट काउल वाला एरिया, ये रहा इसका टैंक, ये रहा इस बाइक के राइट साइड का फुल व्यू। राइट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी चलते हैं इस बाइक के टेल वाले सेक्शन पे। ये बाइक रियर से कुछ ऐसे दिखने वाली, यहाँ पे आपको ग्रैब रेल मिल जाएगा, टेल लाइट आपको बल्ब मिल जाती है, इंडिकेटर बल्ब मिलने वाला, नंबर प्लेट, मडगार्ड, ये कुछ ऐसे दिखने वाले इधर से। और आ जाते हैं अभी हम लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे आपको सारी गार्ड मिल जाएगा विद लगेज कैरियर, आपको चैन कवर मिल जाती है। ये रहा आपका पिलियन राइडर फुटरेस्ट, ये रहा राइडर फुटरेस्ट और ये रहा आपका गियर पैड। आपको गियर बॉक्स मिल जाते हैं, 4 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, साइड स्टैंड, साथ में आपको डुअल स्टैंड और आपको मिल जाता है साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर। ये रहा इंजन, इधर से कुछ ऐसे दिखने वाला है। और आपको पेट्रोल टी मिल जाती है। ये रहा टैंक का ग्राफिक्स, ये रहा सीट काउल का एरिया, ये रहा इस बाइक के लेफ्ट साइड का फुल व्यू। लेफ्ट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। अभी हम बात कर लेते हैं इस बाइक के सीट कम्फर्ट एंड फ्यूल टैंक के बारे में। ये रहा इस बाइक की सीट, आपको सिंगल सीट मिल जाती है जो कि थोड़ी स्टाइलिश दिख रही है। कुछ थिंग आपको अच्छी मिलने वाली है, राइडर एंड पिलियन राइडर को अच्छा कम्फर्ट मिल जाएगा। ये रहा आपका गैबरेल वाला एरिया। और बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक की, आपको 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। इसके माइलेज मेरे हिसाब से आपको मिलने वाले 65 के आसपास। और भी मीटर कंसोल की बात कर लेते हैं। सो ये रहा इसका मीटर कंसोल जो कि आपको फुली एनालॉग मिलने वाला है। यहाँ पे आपको फ्यूल का बताएगा, यहाँ पे आपका स्पीड बताएगा, ऑडोमीटर मिल जाता है और भी इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। रेसिंग हैंडल बार की बात करें तो आपको नॉर्मल सा थ्रोटल, ब्रेक लीवर, हेडलाइट की स्विच मिल जाएगी, आपको ये सेल्फ का स्टार्ट मिल जाएगा। ये रहा इसका रेसिंग हैंडल बार, ये इंडिकेटर हो गया, हॉर्न हो गया, आपका अपर डिपर, पासिंग की लाइट, ये आपका क्लच लीवर, ये रहा आपका मिरर। दोस्तों अगर आपको 110 की एक ऐसी बाइक चाहिए जो वैल्यू फॉर मनी हो, अच्छा खासा लुक मिल जाए, माइलेज मिल जाए, कंफर्ट मिल जाए, साथ में लगेज भी आप अच्छा खासा कैरी कर सको, सो आप इसके तरफ जा सकते हो। इसमें आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। और यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।